प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। सबोत सालोम में पटना बिहार से भाई धनराज थापा फिर से आपके बीच में मैं परमेश्वर के वचन को लेके आया हूँ। मेरे मित्रों, इससे पहले लगातार हम लोग परमेश्वर के वचन जीसस लव जी मिनिस्ट्री के द्वारा आप लोगों के पास पहुँचा रहे हैं। परमेश्वर को महिमा हो और आप लोगों को परमेश्वर की ओर से बहुत से आशीर्वाद मिले। आज जो मैं आपके बीच में सब्जेक्ट को लेकर आया हूँ, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। मेरे मित्रों, आज जो मती 5:4 में मसीह यीशु ने कहा पहाड़ी उपदेश में, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। कौन शोक करता है तो किसको शांति मिलेगी, कैसा शोक करना है, ये आज मैं मेरे मित्रों जिस प्रकार से मैं इस वचन के बारे में सोच रहा था कि कैसा शोक करना है। एक शोकिंग प्रेयर होता है, एक विनती करने वाला प्रार्थना होता है, एक शोकिंग का प्रार्थना होता है, एक निवेदन का प्रार्थना होता है, एक सिंपल प्रार्थना होता है, एक पर्सनल प्रार्थना होता है, एक जो कि सामूहिक प्रार्थना होता है। बहुत से प्रकार के प्रार्थना होता है, परंतु मैंने सोचा कि बहुत पहले ये ऐसा प्रार्थना होगा जो कि शोकिंग का प्रार्थना होगा। लेकिन मेरे मित्रों, इस वचन में मैंने बहुत मनन करने के बाद जो मुझे जो पवित्र आत्मा के द्वारा समझ में आया है और जो मसीह यीशु का आत्मा प्रभु ने जो समझाया है, इस प्रकार से मैं समझ पाया हूँ और इस प्रकार से आपको भी पवित्र आत्मा समझाए कि परमेश्वर का इच्छा योजना को आप जान सके। आइए इस वचन के द्वारा हम आशीष पाने के लिए और इस वचन के प्रकाश को जानने समझने के लिए हम पिता से पवित्र आत्मा के अभिषेक को और मसीह यीशु के लहू में हमारे होंठ और जीभ को शुद्ध करने के लिए और इस वचन को प्रकाश देने के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर एलोहिम परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं। आपका वचन जो हमारे जीवन में देहधारी होने पाए, जितने भी भाई बहन संतगण सुनते हैं, इस वचन का सही प्रकाशन पवित्र आत्मा स्वयं आप करें और उनके समझ और विवेक को प्रभु परमेश्वर खोल दें और प्रभु हमारे बोलने के लिए भी मन मस्तिष्क विवेक समझ को यीशु मसीह के लहू में हमारे होंठ को भी शुद्ध करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने और ग्रहण करें पिता, आमेन। तो मेरे मित्रों, यहाँ बताया गया है धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। मैं ये विश्वास करता हूँ कि जब परमेश्वर पिता ने शुरू के जो मनुष्य आदम और हवा को जो बनाया था, परमेश्वर ने संगति करने के लिए परमेश्वर आपने आनंद को मनुष्य के साथ आनंद करने के लिए और परमेश्वर के साथ मनुष्य आनंद करे बोल के परमेश्वर आपने स्वर्ग सिंहासन को छोड़कर परमेश्वर वाटिका में आदम और हवा के बीच में परमेश्वर आराधना करने आता था। परमेश्वर ने अपने आनंद से सारे पृथ्वी को छठा दिन में बनाया और सातवां दिन में परमेश्वर ने जो कि विश्राम को लिया और परमेश्वर ने सब कुछ देखा कि बहुत अच्छा है बोल के सब कुछ बनाने के बाद कहा, तो परमेश्वर बहुत आनंदित था और मनुष्य को बनाया और परमेश्वर और आनंदित था और मनुष्य के साथ रहने के लिए उसके सहयोगी हवा को भी बनाया, बहुत आनंदित था परमेश्वर। और परमेश्वर अपने आनंद को जाहिर करने के लिए स्वर्ग से परमेश्वर पृथ्वी में आया करता था, आदम और हवा के साथ परमेश्वर संगति करता था और रोज वाटिका में सांस के समय परमेश्वर आता था और संगति करता था, क्योंकि आदम जब शैतान के झांसे में परीक्षा में आदम हवा आया, हवा आदम आया, तो उस समय परमेश्वर वाटिका के समय आते हुए उस आहट को, उस आवाज को आदम ने सुना और आदम छिपा। इस प्रकार से बाइबल हमें बताती है आदम हवा छिपा। मेरे मित्रों, जब आदम और हवा पृथ्वी सृष्टि होने से पहले परमेश्वर ने स्वर्ग में सारे स्वर्गदूतों को सृष्टि किया था, उसमें से एक जो स्वर्गदूत था जो मिखाइल माइकल स्वर्गदूत, जो कि
युद्ध का जो है सबसे मतलब एक कमांडर, जैसे कि कमान संभालने वाला स्वर्ग का एक स्वर्गदूत था, तो उसी प्रकार परमेश्वर ने बहुत से स्वर्गदूत को बनाया था। लेकिन बाइबल स्पष्ट करती है 4-5 स्वर्गदूत का, जो कि एक जो संदेशवाहक जो गैब्रियल स्वर्गदूत था, जो कि पृथ्वी में संदेशवाहक लेके आता था, उसी प्रकार स्वर्ग में आनंद करने के लिए, स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना करने के लिए और स्वर्ग को जगमगाने के लिए और स्वर्ग के स्वर्गदूतों को आनंद के साथ जो स्वर्ग को तेजस्वी बनाने के लिए करूबों के बीच में, करूबों का मतलब स्वर्गदूतों ही के बीच में, जो करूबों के बीच में जो कि 9 रत्न से जड़ा हुआ और हरेक जो कि विश्वों में जो मिलने वाला जितना भी इंस्ट्रूमेंट था, जितने भी साज बाज गाज था, उसको सजा के जो कि करूबों के बीच में रहने वाला जो कि लूसीफर, जब तक उसने पाप अपराध नहीं किया था, जब करूबों के बीच में रहने वाला जो स्वर्गदूत था जो कि परमेश्वर की आराधना करता था और करूबों के बीच में वो पर्वत में रहता था और पर्वत में उड़कर परमेश्वर के सिंहासन में जाता था और परमेश्वर के सिंहासन में जाकर वो आराधना करता था और परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करता था। और बाइबल बताती है कि उसके जो साज बाज जो पंख जो उड़ता था उसमें भी उसका सारा म्यूजिक बजता था और सारे नवरत्न जो पत्थर से जड़े हुए, जितने भी पत्थर जो कीमती कीमती पत्थर है उससे जड़े हुए, हीरे मोती जवरात से जड़े हुए वो था, नीलमणि से जड़े हुए था और वो बहुत सुंदर था, वो था जो है लूसीफर था। और जब उसने सोचा कि मैं पर्वत में जाके परमेश्वर की आराधना अब नहीं करूंगा, अब मैं स्वयं परमेश्वर के तुल्य बनूंगा, परमेश्वर के समान बनूंगा, क्योंकि मेरे पीछे बहुत से स्वर्गदूत हैं जो कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं 9 रत्न से जड़ा हुआ हूँ। तो परमेश्वर ने उसको सिर्फ आराधना करने के लिए और स्वर्ग को जगमगाने के लिए और स्वर्ग में आनंद करने के लिए बनाया गया था। लेकिन अचानक उसके जीवन में घमंड आ गया और वो परमेश्वर के समान और परमेश्वर के तुल्य बनने चाहा। जिस समय वो सोचा कि मैं परमेश्वर के पर्वत में चढ़ूंगा और परमेश्वर के तुल्य बनूंगा, उसी दिन मेरे मित्रों वो स्वर्ग से गिर गया। जब स्वर्ग से गिर गया तो आदम हवा को उस स्वर्ग से गिरने के बाद परमेश्वर ने आदम हवा को संगति करने के लिए सारा पृथ्वी का सृष्टि करके परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया और परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपने प्रतिरूप में आदम हवा को बनाया, क्योंकि स्वर्गदूत को परमेश्वर ने कभी अपने स्वरूप में अपने प्रतिरूप में अपने क्षमता में अपने सोच में अपने विचार में कभी नहीं बनाया था, क्योंकि सारे स्वर्गदूत स्वर्ग के स्वर्गदूत गुलाम है परमेश्वर का। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य ही के सिर्फ अपने स्वरूप अपने प्रतिरूप अपने समानता में बनाया था और वही जो मनुष्य को जो कि परमेश्वर स्वर्ग से पृथ्वी में आदम और हवा के साथ परमेश्वर स्वयं आराधना करने आता था नीचे वाटिका में। परमेश्वर ने वाटिका में उन लोगों को सृष्टि करके वाटिका में, मान लीजिए स्वर्ग के समान जो सजा हुआ वाटिका में परमेश्वर ने रखा था और वहाँ आदम हवा के लिए सारे व्यवस्था था जो कि परमेश्वर की ओर से, लेकिन उन लोग पूरी रीति से परमेश्वर के स्वरूप में प्रतिरूप में परमेश्वर के समानता में बने हुए थे। तो ये बात है कि जब लूसीफर पर्वत से करूबों के बीच में परमेश्वर के पर्वत में चढ़कर आराधना करता था, लेकिन बाद में जब परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपने प्रतिरूप अपने समानता में मनुष्य को बनाया तो आदम हवा को बनाया, उस समय परमेश्वर नीचे पृथ्वी में वाटिका में जो आदम हवा को रखा गया था जो कि उस मनुष्य के पास परमेश्वर आराधना करने आता था। परंतु मेरे मित्रों वहां पर
जब वो गिरा ही गया था, जो कि पृथ्वी में गिरा गया था, और उसने देखा कि परमेश्वर जो है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो स्वर्ग का राजा, पृथ्वी का राजा, राजा के राजा, महाराजा, परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जो कि हम ऊपर जाके आराधना करते थे, लेकिन वो मनुष्य जो कि मेरे जैसा जगमगाता हुआ, मेरे जैसा हीरे जवाहरात से रचा हुआ भी नहीं, उसमें कोई म्यूजिक भी नहीं बजता, कुछ भी नहीं बजता, फिर भी उसको नीचे आके उसके साथ संगति करता है, आराधना करता है और अपने महिमा से भर देता है। इस प्रकार से जब दुष्ट ने देखा और सोचा समझा, तो उसने षड्यंत्र करके हवा को फंसा लिया और कहा कि किसी पेड़ का फल नहीं खाना है। क्या परमेश्वर ने कहा है? तो किसी पेड़ का, किसी भी पेड़ का हम फल खा सकते हैं, लेकिन बीज वाला पेड़ का फल नहीं खा सकते हैं। जिस दिन खाएंगे हम मर जाएंगे। उस प्रकार से कहा, सचमुच में जिस दिन खाएंगे हम मर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने नहीं कहा था कि वो पेड़ के फल खाओगे तो तुम मर जाओगे, लेकिन तुम आत्मा में मर जाओगे, मेरी उपस्थिति से दूर हो जाओगे, मर जाओगे, इसी प्रकार से परमेश्वर ने कहा था। लेकिन शैतान ने क्या कहा? जो शैतान बन गया था, जो चमकता हुआ भोर के तारा, जो हीरे जवाहरात सृष्टि किया हुआ व्यक्ति, जो कि नीचे परमेश्वर के महिमा से, परमेश्वर के पर्वत से, स्वर्ग से गिरने के बाद वो कुरूप शैतान बन गया था, वो सांप का रूप लेके आकर आदम को, हवा को पहले बहाकर झांसे में लाकर उसने जब खा लिया, फल को खा लिया, उसी समय उसने फल को खाने से पहले, नहीं तुम नहीं मरोगी, तुम बिल्कुल नहीं मरोगी, वो परमेश्वर के समान तुम हो जाओगी, तुम नहीं मरोगी, तुम ज्ञान बुद्धिमान बन जाओगी और परमेश्वर के तुल्य बन जाओगी, क्योंकि वो परमेश्वर के तुल्य बनने के लिए चाहता था, तो परमेश्वर के तुल्य ही बनने वो चाहता था, परमेश्वर के समान बनने चाहता था, लेकिन वो परमेश्वर के तुल्य बनेगा, बन जाओगे बोलकर हवा को खिलाया, और हवा ने उस बात को विश्वास की और आदम को भी दिया, और उन्होंने परमेश्वर का महिमा को खो दिया, और उसने दोनों पति पत्नी ने नंगा पाया और परमेश्वर से छिप गए, अंजीर के पत्ते को लगाए। मेरे मित्रों, यहां मैं ये कहना चाहता हूं, जब हवा को, आदम को अपने स्वरूप प्रतिरूप में बनाया था, जब आदम के पसली के हड्डी से हवा को निकाला था, तो स्वरूप और प्रतिरूप के व्यक्ति ही थी, तो परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर के समानता और परमेश्वर के जैसा तो आदम और हवा को बना ही गया था, लेकिन उन लोगों ने वहां पर शंका किया और वहां पर उन लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में अपराध किया, क्योंकि वो परमेश्वर के तुल्य बनने का जरूरत नहीं था हवा को, वो स्वयं परमेश्वर के तुल्य, परमेश्वर के समान, परमेश्वर के समानता में ही बनाया गया था मनुष्य को। उसके बाद में जब मेरे मित्रों, मनुष्य ने जिस समय पाप किया, उसके बाद में परमेश्वर ने मनुष्य को नंगता ढाकने के लिए, उसके नंगता को, पति पत्नी के नंगता को, उसको ढाकने के लिए, उसको इज्जत बचाने के लिए परमेश्वर ने लहू को बहाया, जो कि एक जानवर को मारा, और एक जानवर को मार कर परमेश्वर ने सृष्टि के पहले जो कि लहू बहाया, उसके बाद में उस लहू बहाने के बाद, जानवर को मारने के बाद, परमेश्वर ने उस खाल को निकाल कर, चमड़े को निकाल कर आदम और हवा को पहरा दिया। उसी दिन से, उसी समय से परमेश्वर मनुष्य जाति के लिए शोकित था, परमेश्वर मनुष्य जाति के लिए योजना बना रहा था, शोकित था। उसके बाद में देखा कि मनुष्य जाति अब दूर हो गया है, फिर भी मनुष्य जाति ने परमेश्वर को कभी भी नहीं खोजा। उसके बाद में आदम ने और हवा के द्वारा दो बेटा पैदा हुआ, एक का नाम केन था, एक का नाम हाबिल था।
केन ने ले जाके अपने जो किसान था केन अपने जो खेत बाली में उपजता है वो अन्न ले जाके परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया, परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। और हाबिल भेड़ बकरी चरवा था, उसने भेड़ बकरी के बथान से एक ताजा मोटा एक वर्षीय जो भेड़ का जो बच्चा है वो मेमना ले जाके परमेश्वर को बलिदान किया। परमेश्वर प्रसन्न हुआ और परमेश्वर ने हाबिल का भेंट को ग्रहण किया, परंतु केन का भेंट को ग्रहण नहीं किया। उस समय केन गुस्सा गया तो परमेश्वर ने कहा, हे केन तू क्यों गुस्साता है? क्योंकि तुम गुस्साओगे तो तुम्हारे द्वार पर द्वार के बाहर शैतान खड़ा है, तुम्हारे क्रोध के कारण शैतान तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा। लेकिन मेरे मित्रों, उतना गुस्साया तो गुस्साया, लेकिन उसने अपने भाई को कुछ कहा। उसने सोचा कि परमेश्वर मेरे भाई का सिर्फ बलिदान ग्रहण करेगा, मेरा बलिदान क्यों नहीं ग्रहण करेगा? इससे अच्छा मैं अपने भाइयों को मार देता हूँ। पहला जो मनुष्य आदम और हवा का जो दोनों बेटा था, उसने केन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा और पीछे से बार करके मार दिया। और जब मार दिया तो मेरे मित्रों, वहां पर हम बाइबल में देखते हैं, बाइबल हमें बताती है कि उसके बाद में जो हाबिल का जो लहू है भूमि से जो मार कर उसने शायद भाई को दफना दिया होगा, शायद मिट्टी से तोप दिया होगा किसी प्रकार से। परंतु वहाँ कहा जाता है कि मिट्टी से परमेश्वर को पुकार रहा था हाबिल का लहू, पुकार रहा था कि हे प्रभु पिता परमेश्वर, मेरा न्याय कीजिए, न्याय कीजिए बोल के उसका जो प्राण है, जो लहू है, क्या बोल रहा था, वो मांग रहा था, न्याय को मांग रहा था। उस समय न्याय को मांग रहा था मेरे मित्रों। तो परमेश्वर ने देखा कि हाबिल मुझे न्याय मांग रहा है, हाबिल का लहू मुझे न्याय मांग रहा है। उसके बाद में परमेश्वर ने अंठा के पूछा, हे केन। उसने बोला, हाँ प्रभु, मैं यहाँ हूँ। उसने बोला, तेरा भाई कहाँ है? उसने बोला, कभी भी नहीं बोला कि हे प्रभु, गलती से मेरे भाई को मैंने मार दिया, मैंने किसी प्रकार से मेरे भाई को बार कर दिया, मेरे क्रोध से मेरे अंदर में शैतान प्रवेश किया, मैं दुखित हो गया, मेरे भाई को मारा, मैं क्रोधी हो गया, मारा। इस प्रकार से उसने शोक भी नहीं किया, उसने दुख भी नहीं जताया परमेश्वर के सामने। लेकिन परमेश्वर को कहा कि मैं अपने भाई का टलवा हूँ, क्या मैं अपने भाई को देखभाल करने के लिए मैं हूँ? इस प्रकार से उसने कहा, और ये तूने क्या किया, तेरा भाई का जो लहू है मुझे पुकार रहा है। उस समय उसको समझ में आया कि परमेश्वर सब कुछ जानता है और परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं सकते हैं। उसके बाद वहां पर भी मेरे मित्रों, जब जो हाबिल का जो खून है न्याय मांग रहा था, उस समय भी प्रभु बहुत शोकित था। इसलिए परमेश्वर ने केन को दंड दिया, परंतु उसने शान से बाहर है, प्रभु मुझ पर अनुग्रह करो तो नहीं बोला। फिर भी परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया, कृपा किया। उसके बाद में परमेश्वर ने बड़े बड़े भविष्यवक्ता को भेजा, भविष्यवाणी को भेजा, लोग फिर जाएं, लोग भेड़े के नाए सब कोई भटकते गए। परमेश्वर अपने शोक करता रहा। और कहा गया है कि रोमी 8:32 में अपने इकलौता पुत्र को उसने भेज दिया, और इकलौता पुत्र को भेज दिया क्योंकि वो इतना शोकित हो गया अपने लोगों के लिए, अपने मनुष्य के लिए, कि अपने पुत्र को उसने मनुष्य के ही रूप धारण करवा के अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर, जो कि परमेश्वर जो मसीह यीशु, जो कि मनुष्य का रूप धारण लेके इस पृथ्वी में रूप धारण करके इस पृथ्वी में, जो कि परमेश्वर मनुष्य में बदल कर महिमा को छोड़कर मनुष्य रूप धारण करके परमेश्वर मनुष्य होकर यहाँ पर मनुष्य को बचाने के लिए आया। परमेश्वर शोकित
था, इसीलिए भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने भेजा। परमेश्वर ने लास्ट में अपने पुत्र को भेजा और मेरे मित्रों उसके बाद में परमेश्वर यीशु मसीह भी ये पृथ्वी में आया, शोकित हुआ। परमेश्वर यीशु मसीह लाजर मरा तो शोकित हुआ, रोने लगा। परमेश्वर यीशु मसीह ने बहुत लोगों पर तरस खाया, शोकित हुआ, प्रार्थना किया और परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए कोड़ा के चोट खाया, कुछ नहीं बोला। वो भेड़ जब ऊन कतरने समय चुपचाप से शांत बैठी रहती है, उसी प्रकार बध करने के लिए ले जाते हुए समय भेड़ चुपचाप से बैठे रहता है, उसको पता नहीं कि हमको बध करने ले जा रहा है, क्या करने ले जा रहा है, काटने ले जा रहा है। उसी प्रकार यीशु मसीह चुपचाप सहाता रहा, उसको 39 कोड़ा मारा गया, उसको कांटा का मुकुट पहनाया गया, उसको थूका गया, उसको पीटा गया। बोलो भविष्यवाणी बोलो बोलकर उसके बाद में मेरे मित्रों उसके बाद में कि वहां पर यह भविष्यवाणी हुआ कि यशायाह के द्वारा एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक बेटा जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखना। इसका मतलब है शांति का राजकुमार, इसका मतलब है कि शांति का राजकुमार मतलब पूरी रीति से राजकुमार है। लेकिन किस चीज का राजकुमार है? धन दौलत पैसा रुपया नहीं, शांति का राजकुमार, जो कि मनुष्य भटक गया था पाप में, अपराध में, अधर्म में। सारे अधर्म को, बोझ को परमेश्वर ने खाली मनुष्य के रूप ही लेके नहीं आया यीशु मसीह, परंतु उस पर सारे दुख पाप अपराध अधर्म को, हमारे अधर्म को उस पर लाद दिया गया। उसके बाद में वो क्रूस में मारा गया, क्रूस में उसको हाथ में पांव में कांटी ठोक कर और मरते मरते समय उसको भाला पंजरे में भोग कर और सिरका पीकर पीकर पानी प्यासा हूं बोला, सिरका पीकर हमारा भूख प्यास नंगाता को सब कुछ लेकर यीशु मसीह, जो कि शोकित होकर हमारे लिए दुखित होकर हमारे लिए हम पीड़ित होकर मर गया। शोक दुख पीड़ा होना एक बात है, क्रोध होना अलग बात है। क्रोध दुष्ट करता है, जो कि स्वर्ग से गिरा है वो क्रोधी है, लेकिन परमेश्वर क्रोध नहीं। हम आदम ने और केन हाबिल ने जिस समय पाप किया, जितने भी संसार के लोग भेड़ के नाई भटक गए, उस दिन से परमेश्वर पीड़ित था, हृदय से शोकित था। और परमेश्वर दुखी नहीं था, शोकित था, पीड़ित था। और यीशु मसीह ने हमारे दुख को पीड़ा को उठाया और उठाकर मेरे मित्रों क्रूस में टंगा गया, उसके बाद मारा गया, उसके बाद गाड़ा गया और तीसरा दिन बाद जी उठा। और आई था केन का भाई हाबिल का जो लहू है भूमि से, हे पिता परमेश्वर मुझे न्याय दो, हे पिता परमेश्वर मुझे न्याय दो, हे पिता परमेश्वर मुझे न्याय दो कर रहा था, उसका जो लहू है। आज मेरे मित्रों जो मसीह में, मैं भी पहले नहीं अनजान था, आप जितने भी भाई बहनों अनजान हैं, अभी भी परमेश्वर शोकित है, क्योंकि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया बलिदान होने के लिए, लहू बहाने के लिए। तो मेरे मित्रों यहां पर मैं कहने यह चाहता हूं कि परमेश्वर यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन बाजू उठा और बेथनिया के जगह से देखते देखते 500 चेलों को देखते देखते जी उठने के बाद 40 दिन 40 रात उन लोगों के साथ रहा और देखते देखते स्वर्ग रोहन हुआ और कहा गया कि वहां स्वर्गदूत था, तो हे गलील के लोग क्या आकाश की ओर देख रहे हो? बादल के ऊपर यीशु मसीह लोप हो गया तो वहां पर ज्योति आई। हे गलील के लोग बादल के ऊपर क्या देख रहे हो? जिस प्रकार से यीशु मसीह गया है फिर आएगा,
तुम्हें लेने के लिए, विश्वासी को लेने के लिए फिर आएगा, इस प्रकार से गवाही दिया स्वर्गदूत ने। परंतु मैं यहां ये कहने चाहता हूं मेरे मित्रों, यीशु मसीह अभी अपने लहू को लेकर हमारे पापों का प्रायश्चित के लिए अपने लहू बहाकर, उसी लहू को लेकर, वही पवित्र लहू को लेकर स्वर्ग में चढ़ गया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए शोकित पिता के सामने उठेल दिया और कहा कि अब शोक मत करो, उठेल दिया। और जब हाबिल का लहू भूमि से पिता से न्याय मांग रहा था, लेकिन अब यीशु का लहू सारे संसार के पाप अपराध अधर्म के लिए क्षमा मांग रहा, क्षमा मेरे मित्रों क्षमा मांग रहा है, अनुग्रह है, कृपा है, दया है। हम मसीह में हो या मसीह में नहीं हो, हम फिर जाए, पश्चाताप कर ले, क्योंकि समय निकट है, बहुत निकट है। इसीलिए कहा गया है अब परमेश्वर पिता ने अपने सारे अधिकार को, अपने बोझ को, अपने तकलीफ को, अपनी पीड़ा को मसीह को दे दिया, सारे अधिकार को दिया, क्योंकि यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह ने कहा संसार जो शांति नहीं देती मैं वो शांति दिए जाता हूं। इसीलिए यहां पर कहा गया है धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि ये शांति पाएंगे। आज मेरे मित्रों बहुत से लोग, बहुत से भाई बहन कोरोना वायरस के समय बहुत से लोग अनाथ हुए हैं, कितने लोग विधवा हो गए हैं, कितने लोग बहुत बेघर हो गए हैं, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग पीड़ित हैं। जब तक मसीह यीशु का जो आत्मा, मसीहा का पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं आएगा, तब तक जब तक हम शोक नहीं करेंगे, जब तक लोगों के लिए पीड़ित नहीं होंगे, जब तक यीशु मसीह जिस प्रकार से अभी पापियों के लिए स्वर्ग में जाके पिता के दाहिने बाउली में बैठ के वो रात दिन हमारे लिए विनती करता है, पापियों के लिए, अपराधियों के लिए, अधर्मियों के लिए, उसी प्रकार जब तक हम मसीह लोग किसी के लिए हम शोक नहीं करेंगे, किसी के लिए दया नहीं करेंगे, किसी का शोक, किसी का दुख, किसी का पीड़ा, अपना दुख, अपना सब नहीं समझेंगे, जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम शांति नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा गया है धन्य है वो जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। क्योंकि यशायाह ने कहा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखना। इमानुएल का मतलब शांति का राजकुमार, जो कि राजकुमार होगा लेकिन शांति का राजकुमार, और वो शांति हमारा मात्र मसीहा है, जो कि हमें शांति, आनंद, शोक से हमें जो धन्य है वे जो शोक करते हैं, जो शोक से, जो पीड़ा से, जो दुख से, जो हमें कठिनाई से जो निकाल सकता है, तो वो मसीह है, जो मसीह का लहू है, जो कि हमारे पापों के लिए अभी भी पिता से स्वर्ग में क्षमा मांग रहा है। वही शांति हमें प्राप्त होती है, वही मसीह यीशु ही है जो शांति, जो कि उसका लहू है, जो हमारे लिए शांति के लिए जो बहाया गया है, जो शोकित मन को शांति कर देती है। जब हम परमेश्वर के स्वरूप, परमेश्वर के प्रतिरूप थे हैं, तो परमेश्वर शोकित था तभी मनुष्य लोग शोकित है, परमेश्वर विचलित था तभी हम लोग विचलित हैं। जब परमेश्वर पीड़ित था अपने हृदय में तभी मनुष्य लोग पाप करता है, तो शोकित होता है, पीड़ित होता है, विचलित होते हैं। हालेलुया। इसीलिए कहा गया है धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे क्या पाएंगे, शांति पाएंगे। शांति का राजकुमार मसीह है, इसका मतलब मसीह को पाएंगे जो शोक करते हैं। धन्य में जो शोक करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने अपने पीड़ा को, अपने शोक को परमेश्वर ने कभी भी उसने नहीं छोड़ा, लेकिन इसको शांति में बदल दिया। आज सारे लोग
हम विश्वास के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास के द्वारा यीशु मसीह जिस प्रकार से स्वर्ग में चढ़ा है, उसी प्रकार अपनी महिमा में फिर उसने वादा किया है, मैं स्वर्ग में घर बनाने जाता हूँ, फिर लेने आऊँगा। मेरे मित्रों, इसीलिए आज जो कि केन के द्वारा मारा गया हाविल का जो खून जो है न्याय मांग रहा था, परंतु मसीह यीशु का खून है जो सारे संसार के लिए हमारे लिए अभी भी क्षमा मांग रहा है। इसीलिए हमें मन में पश्चाताप करके, हृदय में पीड़ित होके, शोकित होके एक दूसरे के लिए जैसे यीशु मसीह विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उसी प्रकार हमें देश के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, अनाथों के लिए, विधवा के लिए और बेरोजगारी के लिए, जो कि कोरोना वायरस में बहुत से लोग हम नहीं देखते हैं कितने लोग बेघर हुए हैं, कितने के माँ बाप नहीं रहे, कितने के बेटा बेटी नहीं रहे हैं, कितने के पति नहीं रही, कितने के पत्नी नहीं रहे, अपने प्रिय लोगों को खो दिया है, हम नहीं देखते हैं। लेकिन हम प्रार्थना विनती करेंगे तो परमेश्वर उनको, परमेश्वर देखेगा और परमेश्वर अनुग्रह करेगा, कृपा करेगा, दया करेगा, और परमेश्वर वो शोकित लोगों को, अपने परिवार को खोकर शोकित लोगों को, पीड़ित लोगों को, अपने प्रेमी लोगों को खोकर वो पीड़ित शोकित हैं, जो मन में शोकित हैं, पीड़ित हैं, उनको परमेश्वर शांति देगा, क्योंकि शांति का राजकुमार वो क्षमा मांगता, उसका लहू न्याय नहीं मांगता। हालेलुया, क्योंकि हम नया नियम में प्रभु यीशु मसीह के समय के नियम में और उसके आत्मा से और उसके आत्मा के द्वारा हम लोग गवाही देने वाला व्यक्ति हैं। हालेलुया, इस वचन के द्वारा आपको पवित्र आत्मा अभिषेक और सामर्थ्य दे और यही मन यही हृदय दे, आपको भरपूरी शांति, जो शांति का राजकुमार स्वयं मसीह है, आपके हृदय में बस जाने पाए, आपके घर परिवार में बस जाने पाए, यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमेन।